जेडीएस पार्टी लेबर विंग के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी और उनकी टीम ने इंदिरा नगर में ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा था, जिसमें कई सारे नौजवान जेडीएस पार्टी को ज्वाइन किए और इस प्रोग्राम में कई नौजवानों को डेजिग्नेशन से नवाजा भी गया। जेडीएस पार्टी लेबर विंग के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी ने देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को ठहराया। कहा कि इस बार श्री एचडी कुमारस्वामी को फिर से चीफ मिनिस्टर बनाकर बेरोजगारी को दूर करेंगे। सिराज शाब्दी जेडीएस पार्टी के एक ऐसे उभरते हुए नेता हैं जिसने शहर के कई इलाकों में जेडीएस पार्टी की विंग को मजबूत कर आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो लोग आज ज्वाइन हो रहे जनता दल लेबर विंग में और जो लोग यहां पर आए हैं हम लोगों को सुनने के लिए। देखिए, हर चीज का एक मकसद रहता है। पहले तो हमको ये समझना है कि हम जनता दल पार्टी में क्यों गए, क्यों जनता दल पार्टी को हमको बढ़ाना है और क्यों कुमार स्वामी को हमको चीफ मिनिस्टर फिर से बनाना है। बीजेपी और कांग्रेस जात धर्म का एक प्ले कार्ड खेल रही। इस जात धर्म में आज हिंदुस्तान हमारे भारत का भाईचारा ये लोग खराब कर रहे हैं। बीजेपी 40% कमीशन की सरकार है तो कांग्रेस 20% की कमीशन सरकार है। तो आप लोग ये बताना है कि अगर 20% 40% में ये लोग पैसे लेकर करप्शन कर रहे हैं तो हमारा जो भारत मुल्क है वो आगे कैसे बढ़ेगा। आज कई सारे बच्चे एजुकेशन में पीछे हैं, इलिटरेसी कई ज्यादा बढ़ गई सो है, हेल्थ सेक्टर हम लोगों का पूरा खराब हो चुका है। कोई गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा, आज प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको लाखों रुपए का खर्चा आ रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जीरो है। जो गरीब जितने भी स्कीम आते, जितने भी फायदे हुकूमत के तरफ से आते वो रहते गरीब तबके के लिए, रहते गरीब घर वालों के लिए रहते, मगर ये करप्टेड हुकूमत बीजेपी और कांग्रेस हमेशा गरीबों का मुंह मारा। इसी वजह से आज देखो, आज हर घर में किसी जितने भी गरीब है आज संघों के ऊपर डिपेंडेंट है। संघों में आज हमारे माँ बहन बैठ रहे हैं। आज अगर हुकूमत गवर्नमेंट के तरफ से जितने भी स्कीम आते अगर उसका सही फायदा अगर दिलाते तो आज किसी को ना फाइनेंस से पैसे लेने की जरूरत है, ना किसी को संघों में बैठने की जरूरत है, ना किसी को बेरोजगारी होने की जरूरत है। गुलबागा में 12 इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, फिर भी आज नौजवान बेरोजगार है। क्या ये हुकूमत कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत को नहीं मालूम? कर्नाटका लेबर लॉ में क्लियरली मेंशन करे 1960 एक्ट में कि 70% कन्नड़िका लोकल्स को जॉब लगना जरूरी है, मगर ये ना देखते हुए ये बीजेपी और कांग्रेस ये करप्टेड गवर्नमेंट आज हमारे बच्चों को बेरोजगार होने पे मजबूर करती है। आज हमारे बच्चों को वहां पे नौकरी नहीं लग रही, आज हमारे बच्चे पढ़कर ऑटो चला रहे, बंडी लगा रहे आज हमारे बच्चे। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो हुकूमत है? क्या हम लोग जिम्मेदार है कि ऐसे करप्टेड लोगों को हम हुकूमत पे लेके आते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो लेबर साथ लेबर घटक के अध्यक्ष हैं सिराज शाब्दी साहब का, साहब को और उनकी तमाम टीम को और जो साउथ के अध्यक्ष हैं हमारे मनु साहब, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि भाई जब से ये लोग ये लेबर विंग के जो घटक के अध्यक्ष बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो स्लम मेरे में जा जा के जो है लोगों की जो परेशानियां हैं और उनको जो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज के बारे में जो है आए दिन हर स्लम मेरे में जाके जो है ये लोग बताने का काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से जो भी इनको बनता है, जो उनका लाइसेंस का प्रॉब्लम है और उनको जो मतलब जहां पर भी जो उनका लेबर कार्ड के बारे में और जो भी स्कीम्स के बारे में, ये लोग जाके घर घर जाके जो है लेबर उनके तरफ से लेबर जो तबके को है उछाल करने का काम जो है सिराज शाब्दी और उनकी टीम जो है कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये काम किसका था बोले तो यहाँ पर जो पब्लिक जिसको जिता कर लाई उनका काम बनता कि भाई वो लोग गवर्नमेंट जिसकी है उनका काम था कि भाई ये लोग स्लम मेले में जाके कैंप डाल के वहां पर जो है जागृति कार्यक्रम जो है यहाँ पर करके ये लोगों को उछार करने का काम जो है और उनको जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट से जो आ रही, जैसे अभी हमारे सिराज शाब्दी साहब बोले कि भाई 600 करोड़ रुपए जो है खाली यूज करे, बाकी का पैसा जो है वापिस चले जा रहा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इससे इनके नाकामी के तरफ से इसका नुकसान जो है गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो स्पेशली ये जो लेबर विंग के जो जिम्मेदारी है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसका लेबर विंग का जो काम जो है जिम्मेदारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अच्छे तौर पर निभा रहे हैं। मैं इसीलिए इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं।
इवत पोस्ट तक नमेंगे मन को ತಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಬರ್ ವಿಂಗಿಗೆ ಮಜಬೂತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 27 ಹಳ್ಳಿ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 100-200 ಯುವಕರು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿದಾಗ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಸು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ ಇದ್ದಂತ ಶಾಸಕ ಈ ಭಾಗದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಗೊಳ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ನೀವು ನನಗೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು JDS ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನೋ ಸೋಲ್ತೀನೋ ಅದು ಅದೃಷ್ಟ ನಂದು. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ 2023. आज इंदिरा नगर के अंदर आज जो लेबर विंग का आज एक प्रोग्राम हुआ है, और हमारे सिराज शाब्दी साहब के नेतृत्व में और हमारे अलीम इनामदार साहब, तमाम उनके टीम और यहाँ पे हमारे पार्टी के पूरे लीडर्स यहाँ पे मौजूद है. आज कई लेबर विंग के पोस्ट जो साउथ होंगे और कई तालुका और नॉर्थ के अंदर आज लेबर विंग के कई पोस्ट आज दिया गया है नौजवानों को. आज लेबर के तरफ से आज आवाज़ उठाने के लिए आज हम एक नौजवानों को एक पोस्ट दिए हैं. आज बहुत खुशी की बात है, आज हमारे पार्टी में कई नौजवान ज्वाइन भी हो गए. आज ज़्यादातर साउथ और नॉर्थ के कई नौजवान यहाँ पे ज्वाइन हो गए. आने वाले दिनों में पूरे हमारे लेबर विंग यहाँ पे स्ट्रांग होगा और हमारे पूरे नौजवान भाई पार्टी को मजबूत करेंगे बोल के उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उम्मीद है हमको. और आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ गया है आज गुलबर्गा के सिटी में, आज एक आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आज हम लेबर विंग को स्ट्रांग करेंगे. आने वाले दिनों में लेबर कार्ड्स, लेबर के जो भी मसले रहेंगे, आज हमारे सिराज शाब्दी साहब लेबरों के लिए आज आवाज़ उठा रहे, आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे, बीच में पब्लिक में है आज. और लेबर विंग का जो टीम जो मजबूत आज गुलबर्गे में हम लोग कर रहे हैं, ये आज मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो है इंदिरा नगर में आज जनता दल सेक्युलर का एक फंक्शन हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को पोस्ट भी दिया गया है और कई लोगों को यहाँ पर लेबर विंग में ज्वाइन भी किया गया है. आज बहुत ज़रूरी है कि भाई जो गरीब लोग तबका है उनके बारे में अगर कोई फिक्र कर रही है तो जनता दल सेकुलर कर रही है, कुमार स्वामी साहब कर रहे हैं और JDS के लीडर्स कर रहे हैं. एक्चुअली ये तो जो जीत के गवर्नमेंट आई है उनका काम बनता था कि भाई इनके बारे में, गरीब लोगों के बारे में सोचना था, क्योंकि उन्होंने तो आँख बंद करके सो गए हैं. उनको जागने हुशार हो बोल के आँख खोलने का काम जो है जनता दल सेकुलर और उनकी टीम कर रही है. मैं लेबर इनके हमारे सिराज शाब्दी साहब, मल्लू साहब, तमाम उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिन में ये तयखुन देता हूँ कि भाई जहाँ भी आपके लेबर तबके के जो भी मसले मसाले जनता दल सेक्युलर के पूरे तमाम लीडर्स और कुमाराणा साहब, देवगढ़ साहब आपके इंशाल्लाह 100% आपके साथ देंगे. जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल पार्टी लेबर विंग गुलबर्गा. आज यहाँ पर इंदिरा नगर में एक बहुत बेहतरीन एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर इंदिरा नगर से सचिन रिदलान बाबा और माया राठौड़ गुलबर्गा क्षेत्र से, और वाड़ी से हमारे जो वाड़ी जो प्रेसिडेंट बनाए हम लोग वहाँ पे लेबर विंग वाड़ी प्रेसिडेंट इमरान शाकिब शेख आखिब को वहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया, इलेक्ट किए सो हम लोग अपॉइंट किए सो है.
और उनके साथ टोटल 11 की टीम है, जिसमें वर्किंग प्रेसिडेंट राजू राठौड़ है और मीडिया इंचार्ज है, सेक्रेटरी है, और साथ ही साथ शाहबाद तालुका में जनाब इमरान साहब को वहाँ पर तालुका लेबर विंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। बस इसी उम्मीद से कि जो लेबर्स, देखिए गुलबर्गा में 7 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 4 लाख के करीब लेबर कैटेगरी है, यहाँ पे लेबर लोग हैं, और हकीकतन जो हुकूमत से जो स्कीम्स आते, जो फ़ायदे आते, वो आते हैं लेबर तखबे के लिए आते हैं, लेबर कम्युनिटीज़ के लिए आते हैं, पर यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम आज तक चुन के लेकर आए हैं, चाहे वो गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने दो या फिर स्टेट में रहने दो या फिर पूरे हिंदुस्तान में, ये लोग सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं और अमीरों को ही फ़ायदा दिलाते हैं ये लोग। गरीब तखवा सिर्फ ये लोगों के लिए वोट बैंक है, चाहे वो कोई भी कास्ट के रहने दो। अब ये लोग जब ये लोगों को, गरीबों को फ़ायदा नहीं दिला रहे, तो यही गरीबों को आज जात धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा। तो जनता दल लेबर विंग की तरफ से हम ये ख्वाहिश रखते, ये डिमांड करते हैं कि हम लोग सवाल करते हैं एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूवमेंट के ऊपर, हेल्थ सेक्टर इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट। आज हर घर की गरीब औरत संघों में बैठ रही, परेशान हो रही आज, क्या हुकूमत का काम नहीं है ये संघों को रोककर उनको एक फाइनेंशियल बजट एलोकेट कर स्कीम निकाल कर उनको फ़ायदा दिलाना। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो यहाँ की आवाम को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं तमाम गुलबर्गा क्षेत्र के और पूरे कर्नाटक के क्षेत्र के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि लेबर विंग में आप अपना पोजीशन ये कीजिए, लेबर विंग में ज्वाइन कीजिए और लेबर की मदद कीजिए, क्योंकि हकीकतन अगर आप लेबर की मदद करेंगे तो आपकी दुनिया और आपकी आखिरत दोनों कामयाब होंगी। हम बाबा रेटलानो, मैं GDS में ज्वाइन हुआ हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज सभी भाई लोग आए मेरे ट्रेनिंग में, GDS में ज्वाइन होने का मौका दिया है। कृष्णा रेड्डी भाई, हमारे आलिम भाई, हमारे सिराज भाई, हमारे आकाश भाई, हमारे मंसूर भाई, इनको देख के मैं ज्वाइन हुआ हूँ। इनका जो टीम का अच्छा तरीका है, जो काम करने का, ये सभी लोग को देख के आज मैं ज्वाइन हुआ हूँ GDS में। मैं बहुत खुश हूँ, आने वाले दिनों में मैं इनके साथ में काम करूँगा, अगले उसमें GDS पूरा हमारा चलेगा। मेरा नाम शेख अकीब है, मवाड़ी से हूँ, लेबर विंग प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, अभी मुझे अपॉइंट किया गया है GDS की टीम से। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ GDS की टीम का, लेबर विंग का, सिराज साहब, शाब्दी साहब का। इंशाल्लाह जो गुलबर्गे में जो काम चल रहा है लेबर विंग का, इंशाल्लाह अब यहाँ से वाड़ी में भी काम चलेगा। मेरा नाम है इमरान, मैं शाबत का रहने वाला हूँ। मुझे इस पोस्ट से नवाजा गया है, जैसे कि मैं सोचा था तक नहीं। अभी तक मैं जो भी कर रहा था, एक सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू काम कर रहा था, आज मुझे इस पोस्ट के ज़रिए से सिराज शाब्दी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस पोस्ट से नवाजा, ताकि मैं इस चीज़ से आज तक जो भी मैं जर्नली काम करता था, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था, आज मुझे एक लेबर विंग प्रेसिडेंट बनाया गया। आज से मैं जो भी करूँगा प्रेसिडेंट का काम करने वाला शख्स हूँ, तो इसलिए मेरा बोलने का मकसद ये है कि जो भी मेरा काम होगा बहुत स्पीड होगा आने वाले दिनों में, इंशाल्लाह मेरा काम रुकेगा नहीं। जैसे कि कृष्णा रेड्डी साहब ने बोला है, ये पोस्ट लेके सोना नहीं है, सोने तो हम आए नहीं है, जागने आए और जगाने आए। आने वाले दिनों को ऐसा जगाएंगे कि कर्नाटक में जो भी इस बार का CM जो बैठेंगे, तो हमारे कुमार अन्ना बैठेंगे, और इस नॉर्थ में और साउथ में भी JDS की सरकार बनेगी।